आओ बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। इसमें ये रानी का घर, ये गीता का घर और ये नसीमा का घर दिया गया है। रानी, नसीमा और गीता एक दूसरे के पास पास रहती हैं। उनके घर से सड़क की दूरी 90 फीट है और वो क्या करती हैं, इस दूरी में वो टाइलें लगाना चाहती हैं, परंतु समस्या क्या है, उन सब ने अलग अलग डिजाइन और लंबाई की टाइलें खरीदी। अलग अलग लंबाई और अलग अलग डिजाइन की टाइलें खरीदी। रानी ने सबसे छोटी टाइल खरीदी, गीता ने बीच के आकार की टाइल खरीदी, नसीमा ने सबसे लंबी टाइल खरीदी। अगर वे बिना काटे, किसी टाइल को काटे बिना रास्ते पर लगा सकती हैं, तो तीनों किस आकार की टाइल खरीदी आपने बताना है। तो रास्ते की लंबाई कितनी है, 90 फिट। अब तक ये जान ही चुके हैं कि टाइल लगाएंगे तो हम गुणनखंड बनाएंगे। चलो आओ, 90 के गुणनखंड ये आप बनाने आते ही हैं, आपको आप सीख चुके हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था आपको। तो कितना आएगा 90 गुणनखंड, एक तो बनेगा ही। ये 90 दो पे पूरा पूरा भाग होता है, दो पे भाग करके देख लेंगे, 2 चौके 8, 1 0, 2 पंजे 10, तो ये 45। दो पे कितना आएगा बच्चों, एक पे तो 90 आएगा, यानी कि 1 गुना 90, 2 पे 2 गुना 45, और जब 3 पे करेंगे इसको, 90 को पूरा पूरा भाग होता है, 3 3 9 0, उतार ली 3 0, नहीं 0 वगैरह पहाड़ा, तो 3 गुना 30, क्या 4 है पूरा पूरा भाग होता है, आओ करके देखते हैं, 4 दूनी 8, 1 10, 4 दूनी 8, 2 बच गया 6, तो 4 6 के फैक्टर नहीं बनते, 4 इसका फैक्टर नहीं है, तो 4 को हम इसके गुणनखंड में शामिल नहीं करेंगे। 5 देखते करके भाग करके भाग विधि से कर सकते हैं आप, 5 एकम 5, 4 0, 5 8 40, तो ये 5 इसका फैक्टर बन गया, 5 गुना 18। अब 6 देखते हैं, 90 को 6 से भाग करते हैं, 6 एकम 6, 3 0, 6 पंजे 30, ये पूरा पूरा भाग हो गया ना, तो 6 गुना 15 भी इसका फैक्टर बन गया। अब 7 देखते हैं, 90 को 7 से भाग करते हैं, 7 एकम 7, 2 20, 7 3 21 होगा, या फिर 7 दूनी 14, ये पूरा पूरा भाग नहीं होता, तो फैक्टर नहीं बना। इसी प्रकार से 8 20 का फैक्टर नहीं है, आप देखते ही बता लेंगे आगे आने वाली वीडियो करके करेंगे जब। अब 9 से करेंगे तो 9 दाएं 90 होते हैं ना, अब यहाँ पे वापसी शुरू हो गया हमारा, तो 9 गुना 10, अब और करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ये फैक्टर कितने बन गए हमारे, 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 और 90। अब वो टाइलें लगाएंगे, बताओ बच्चों अब कहाँ पे पैटर्न बनता है, ध्यान रखना आपने। देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, सबसे छोटे आकार की टाइल 1 गुना 1 की बनेगी, ये टाइल 2 गुना 1 की बनेगी, ये टाइल 2 गुना 2 की बनेगी, ये टाइल 3 गुना 3 की बनेगी, ये टाइल 5 गुना 5 की बनेगी। इस प्रकार से टाइलें बन सकती है, 5 गुना 2 की बन सकती है, या 5 गुना 3 की भी टाइलें बहुत सारी बन सकती हैं इसमें से। परंतु वो टाइल खरीदती है छोटी सबसे, तो उसने एक ने ये टाइल खरीद ली, जो रानी ने ये टाइल खरीद ली, सबसे छोटी टाइल खरीदी है ना रानी ने, 1 गुणा 1 की टाइल। गीता ने बीच की, बीच कितना है, 2 है, गीता ने 2 गुणा 2 की टाइल खरीद ली। और जो नसीमा थी, नसीमा ने कितनी टाइल खरीदी, 3 गुणा 3 आकार की टाइलें खरीद ली। अब देखते हैं रास्ता कितना चौड़ा है, ये रास्ता है ना यहाँ पे, ये तो 90 फुट हो गया हमारा, तो ये चौड़ाई कितनी रास्ते की, ये पता लगा हुआ। देखो ध्यान से सोचो जरा, ये सोचो जरा, अब 1 2 3 कौन सी टाइल है, या 5 लगा लें अगर हम, तो कौन सी टाइल फिट होगी अगर हम एक एक की लगा दें यहाँ पे, तो ये देखो, अगर ये एक एक की लगाए, 1 2 3 4 5 और 6, एक बार मैं करके दिखाता हूँ। तो अब हम टाइलें लगा के देखते हैं, ये रानी ने टाइलें लगाई 1 गुणा 1 की, कितनी टाइल लगाई रानी देखते हैं, ये देखो ये लगी ना, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है, कितनी टाइल लगी, 6 7 भी लगा सकती है रानी, तो कितनी भी टाइल लगा सकती है ना, 8 भी लगा सकती है, कितनी टाइल लगाई वो। अब फिर गीता है 2 2 की, ये देखो 2 2 की टाइल, 2 2 2 और ये 2, उसने कितनी कितनी टाइल लगाई, नसीमा ने 3 3 की, 3 और ये 3 और ये 3। अब ये यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे क्या समझने वाली बात है कि तीनों ने, तीनों का रास्ता बराबर है ना,
किताब में देखा तीनों का रास्ता बराबर है, देखो ध्यान से देखो आप, तीनों का रास्ता की चौड़ाई बराबर है, तो बराबर चौड़ाई कितने पे होगी देखो, मतलब ध्यान से देखो, ये यहाँ पे देखो 6 पे बराबर हो रही है, अगर वो 8 लेते हैं तो ये टाइल बड़ी हो जाती है, काटने की टाइल है नहीं आपने, ये बड़ी हो जाती है, तो ये टाइल ये नहीं लेंगे हम, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है हमारी 6 सेंटीमीटर है, ये देखो यार 6 फीट है, देखो ये रास्ता। तो रानी ने एक एक की टाइल लगा ली, और गीता ने 2x2 की टाइल लगा ली, और नसीनमा ने 3x3 की टाइल वो लगा ली। इस प्रकार से आप व्यवहारिक तरीके से भी और गुणनखंड के तरीके से अपने रूम में टाइलों का आकार बता सकते हैं। धन्यवाद। तो आओ अब हम टाइलें लगाते हैं। अनु के घर, जैसे कि आपके बुक में पेज नंबर 97 पर दिया गया है, अनु के घर में एक पार्क है, उस पार्क के बीच एक रास्ता है, ये देखो रास्ता दिया हुआ है आपकी बुक में दे रखे, देखो ये उन्होंने रास्ते को 2 फीट 3 फीट और 5 फीट की टाइलों से करने का फैसला लिया। कितने फीट की टाइल लगाते हैं, ये देखो 2 फीट की 3 फीट की और ये 5 फीट की बड़ी टाइल, ये वर्गाकार टाइल है बच्चों, 2x2 की, ये 3x3 की हमारी, और ये 5x5 की। तो यहाँ पर आपने क्या बताना है, मिस्त्री ने पहली पंक्ति की 2 फीट की टाइल, दूसरी पंक्ति की 3 फीट की टाइल और तीसरी पंक्ति की 5 फीट की टाइल से टाइल किया, मिस्त्री ने किसी की टाइल, किसी भी टाइल को नहीं काटा, तो रास्ते की लंबाई कम से कम कितनी है, आओ पता लगाते हैं। देखते हैं, 2x2 की टाइल लगाने के लिए 2, रास्ते की लंबाई 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, 12 हो सकती है, 14 हो सकती है, 16 हो सकती है, 18 हो सकती है, 20 हो सकती है, इस प्रकार से 2 के मल्टीपल में हो सकती है, यानी कि 2 के गुणज बोल लेंगे इनको, जो गुणा में आए। और 3 की अगर टाइल लगाएं तो 21, 24, 27, 30। यहाँ पर देखिए 2 में और आगे करते हैं, अगर हम चलते हैं तो 2 में और आगे चलते हैं जब हम, 22, 24, 26, 28 और 30। अगर हम 5 की टाइल लगाते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। अब यहाँ पर देखो, अगर रास्ता की लंबाई 2 हो तो 3 की टाइल लगेगी, 5 की नहीं लगेगी। चलो हम बड़ी टाइल लगाते हैं पहले, अगर रास्ते की लंबाई 5 है तो 3 की टाइल नहीं लग सकती, 3 की 3 लगेगी या 6 लगेगी, तो 3 की नहीं आ सकती, 10 में भी नहीं आ सकती 3 वाली, 15 में आ सकती है, देखो यार 15 में 5 5 की 3 टाइल लग जाएंगी और 3 3 की 5 टाइल लग जाएंगी, परंतु 2 2 की टाइल को काटना पड़ेगा, 2 7 14 फिर 1 उसको काटना पड़ेगा, तो 2 की नहीं लगेगी। अगर हम 18 20 में नहीं लगेगी, 25 में नहीं लगेगी, 30 में देखते हैं, देखो 30 तीनों में है, 30 सेंटीमीटर उस रास्ते की अगर लंबाई हम ले लें 30 फीट, तो 2 2 की टाइल लगे कितनी लगेगी बच्चों, देखो 2 2 की 15 टाइल लगेंगी, 2 2 की 2 फीट की टाइलें कितनी लगेंगी 15। अगर हम उसको 3 3 की टाइल लगाएं, 3 3 कैसे लगाएं, तो देखो 3 3 कितनी लगेगी 3 फीट की, 3 फीट की टाइलें, कितना रास्ता है सारा 30 फीट है ना आपका, 3 × 30 तो 10 लगेंगी। और अगर 5 फीट की टाइलें लगाने लगे तो 5 फीट की यहाँ 5 × 5 = 30 तो 6 टाइल लगेंगी। इस प्रकार के रास्ते की कम से कम लंबाई कितनी चाहिए हमें, 30 चाहिए। ये सरल गुणनखंड की अवधारणा है, अगली वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, आप मेरी वीडियो को देखते रहिएगा और सारी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।